BTS के मेंबर्स कई सालों से अपने अकाउंट के थ्रू ही हम सभी से कांटेक्ट करते हैं और इसीलिए ट्विटर पर BTS के काफी सारे अकाउंट्स हैं जहां से वो बार बार नई नई चीज पोस्ट करके हम सभी आर्मीज को नए नए न्यूज देते हैं। लेकिन अगर BTS का ही ये अकाउंट हैक हो जाए तो फिर क्या हो, कभी आपने सोचा? लेकिन अब सोचने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऐसा सच में हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असल में हुआ क्या है वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह ही बिगिट ने एक काफी बड़ी न्यूज हम सभी के साथ शेयर करी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि BTS का BT21 का ऑफिशियल अकाउंट हैक हो चुका है। और इस बार ये कोई फेक न्यूज नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच न्यूज है, क्योंकि खुद BTS ने इस बारे में हम सभी को इन्फॉर्म किया है। तो BTS का जो ऑफिशियल BT21 का अकाउंट है, वहाँ से कई सारी आर्मीज BTS के मर्च को परचेज करती हैं और वहाँ पर नए नए लिंक्स भी आते रहते हैं। लेकिन अचानक से इस अकाउंट को हैक कर लिया गया और यहाँ पर काफी सारे अजीब से लिंक आने लगे थे, जिसको आर्मीज ने क्लिक किया और उसके बाद कई सारे आर्मीज के साथ कुछ फ्रॉड भी हो गए। और इस न्यूज के बारे में कई सारे आर्मीज ने जब बिगिट को इन्फॉर्म किया तो उन्हें पता चला कि एक्चुअली उनका अकाउंट हैक हो चुका है। और यही न्यूज सुबह सुबह उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए हम सभी को पहुंचाई है कि उस अकाउंट को अनऑथराइज एक्सेस से हैक कर लिया गया है और कोई भी आर्मीज उसमें आने वाले लिंक्स को ना खोले, वरना उससे उनका पर्सनल लॉस हो सकता है। अब वैसे तो BTS इस अकाउंट को जल्दी ही रिकवर कर लेंगे, लेकिन ये किसने हैक किया है या फिर कैसे हो गया है, इसके बारे में कोई भी फर्दर न्यूज नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो भी आर्मीज इस बारे में सोच रही है, जिन्हें पता चला है, वो इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि किसी भी आर्मी का कोई पर्सनल लॉस ना हो। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब BTS के अकाउंट को हैक कर लिया गया हो, क्योंकि इससे पहले भी कई बार BTS के ऑफिशियल अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। इससे पहले कई बार BTS के YouTube अकाउंट्स को भी चेंज कर दिया गया था और वहां पर काफी ज्यादा अजीब गाने डाल दिए गए थे, और ट्विटर अकाउंट को भी एक बार हैक किया गया था। तो हो सकता है कि कोई इंसान बार बार इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश कर रहा हो ताकि वो इतने पॉपुलर अकाउंट को हैक करके अपना पर्सनल फायदा उससे निकाल सके। तो आप सभी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ कि आपका इस पर क्या कहना है। क्या आपने भी BTS के हैक्ड हुए अकाउंट के किसी लिंक पर क्लिक तो नहीं कर दिया? और अगर कर दिया है तो उसको फर्दर प्रोसेस बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को सबके पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये न्यूज मिल जाए। और जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपका इस पर क्या कहना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।